रोकर दे जिथे मुड़ तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आगे से उस विषय पर और सार्वजनिक रूप से बात करेंगे और अंदर बैठकर भी बात करेंगे सब दलों से, लेकिन हमें ये मर्यादाएं बनाए रखना चाहिए कि कभी भी इनको रिकॉर्ड में भी नहीं जाता, अनरिकॉर्डेड भी रहता है और आपस में डिबेट चलती रहती है। अनरिकॉर्डेड भी कई मान्य सदस्य कुछ भी टिप्पणी, एक मिनट, आपको किसने बोलने की इजाजत दी? नौ और फिर कोई मान्य सदस्य अनरिकॉर्डेड चीज कुछ भी आसन के बारे में बोल जाते हैं। अब रिकॉर्डेड अगर बोलते हैं तो टेक फॉर एक्शन करता ही करता मैं, इसमें कोई किसी भी सूरत में आसन पे ऑन रिकॉर्ड बोलेंगे तो कार्रवाई करूंगा ही करूंगा, पर अनरिकॉर्ड भी बोल जाते हैं, इसलिए हम जो होगा मैं भी कोशिश करूंगा और सभापति तालिका बैठे सब लोग भी कोशिश करेंगे। सभापति तालिका पे सब दल के लोग बैठते हैं, और सब दल के लोग जब सभापति तालिका में बैठते हैं तो वैसी मर्यादा रहते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य उतनी मर्यादा रखते हैं और सदन की मर्यादा को कोई भी दल का सदस्य हो लेकिन सभापति तालिका में बैठता है तो वो उसकी उतनी ही मर्यादा रखता है चाहे कोई भी दल का हो। ये अपेक्षा है कि हम इसका ध्यान रखें। सुनील तटकड़े जी अब बोलिए। सर कंक्लूड कर प्लीज, एक मिनट प्लीज। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल स्पीकर साहब। एक मिनट कंक्लूड कर लें। स्पीकर साहब आपने जैसा बोला है हम आपका सम्मान करना हमारी ड्यूटी है और हम करेंगे, और आप हाउस के कस्टोडियन हो, आपकी हर बात पे माने। और सर मैंने बस में फिजिकल डेफिसिट के बारे में बोला है, गिर रही रुपए की कीमत के बारे में बोला है, पेट्रोल डीजल से ज़्यादा कीमतों के कारण बढ़ रही महंगाई के बारे में बोला है, गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं दिया गया वो बोला है, दलित वर्ग को इग्नोर किया गया है, महिलाओं को इग्नोर किया गया है, लगभग पूरे देश को, कुछ राज्यों को भी उनको भी दिया नहीं गया, सिर्फ पॉलिटिकली लुभाया गया है, उनको कुछ नहीं मिला एक्चुअली में, तो उसके बारे में बोला है। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं और कोशिश करता हूं और रहूंगा, जो बोलूंगा वो कानून के दायरे में रहेगा। पिछले माननीय स्पीकर साहब, आज देश श्रीमान राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है, अलग अलग वर्ग के लोग उनको आकर मिल रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं, और कल किसान ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी होकर उनके पास आई और उन्होंने और इंडिया अलायंस ने की तरफ से अपना पूरा उनकी जो डिमांड्स है उसका भरोसा दिया है, और इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी आज किसानों की जो डिमांड्स हैं उनके साथ है, उनके पूरा पूरा उनके साथ खड़ा। माननीय स्पीकर साहब, किसान मांग क्या रहे, बजट में वो चीज़ें नहीं आई, किसानों से वादा किया गया था, जब यहाँ एजिटेशन हुआ जिसमें 736 लोग मरे, शहीद हुए, पंजाब सरकार कांग्रेस की सरकार जिसमें मैं मुख्यमंत्री था, 736 परिवारों को नौकरियां दी गई, जितने लोग एजिटेशन में मरे सबको हमने नौकरी दी और साथ में 5 लाख रुपया उनके परिवारों को कंपनसेट किया, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। माननीय स्पीकर साहब, आज किसान वो चीज़ मांग रहे हैं जिसकी केंद्र सरकार ने उनके साथ कमिटमेंट की है लिखती, कि हम आपको MSP की लीगल गारंटी देंगे, क्यों नहीं दी जा रही, और किसान चाहता क्या है? डेडिकेट करें, और एकदम गलत बोल रहे हैं, टोटली बेबुनियाद बात बोल रहे हैं, हवाई बातों के ऊपर चन्नी जी लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ऑथेंटिकेट करना आवश्यक है, ये गलत बातें बोल के लोगों को गुमराह करना, ये चन्नी जी कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस की रोज की इनकी कहानी है, लोगों को गलत बोल के लोगों
को भ्रमित करना इन लोगों ने और बेबुनियाद बातों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। इनको तुरंत ऑथेंटिकेट करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए कि झूठ गलत बातें बोलकर पूरी बेबुनियाद बातें बोलकर हमारे मेहनती किसानों को हमारे अन्नदाताओं के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। पहले ये बताएं स्पीकर साहब, मेरा स्पीकर कोई बात नहीं, स्पीकर साहब अगर किसान देश का किसान जो देश का अन्नदाता है जिसने आजादी के बाद देश को अन्न से भरपूर किया है, अगर देश का अन्नदाता सर आप बैठ जाइए प्लीज, अगर देश का अन्नदाता आज गरीबी की हालत में चाहता है कि उसका कर्ज माफ हो तो उसमें क्या गलत मांग रहा है वो, क्यों उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा? आप पूंजीपतियों का कर्जा लाखों करोड़ माफ करते हो, उनका पांच पांच दस दस लाख दो दो लाख आप कराया गरीब मजदूर और किसान का क्यों नहीं करते हो? मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं इसमें क्या आपत्ति है। और स्पीकर साहब चार अभी राहुल जी ने कहा था कि आप किसानों को खालिस्तानी कहते हो, मैं बताता हूँ चार NSA लगाकर चार किसानों को इसलिए अंदर करने दिया गया कि वो धरने पे बैठे थे, क्या ये नहीं, क्या ये खालिस्तानी कहने वाली बात नहीं है? और स्पीकर साहब आपको क्या आपत्ति है? आज की आज मैं उनकी एक डिमांड मैं ये बात करना चाहता हूँ। मैं इनका आरोप है स्पीकर साहब किसान धरने के लिए किसान एजिटेशन के लिए बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे। यार चन्ने ही क्यों दुख रहा है आपको, बोलने दो यार। इससे उनको गलत NSA लगा है ये बोला है स्पीकर साहब, ऑथेंटिकेट करें नहीं तो इनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई की जाए। ये तो बोलने नहीं दे रहे स्पीकर साहब, आप जो तथ्य बोल रहे हैं सदन में स्पीकर साहब, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान सर किसान प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री सर, सर ये सर पार्लियामेंट्री सिस्टम सबको मालूम है, एक दूसरे को पाठ पढ़ाने का नहीं है। सुनो सर, देखिए जब सर जब मेंबर बोल रहे हैं, जब एक मेंबर बात बोल रहे हैं और वो गलत अगर बात बोलता है, यहाँ सब एक मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर जो मंत्रालय को संभाला और संबंधित के विषय को जानकारी रखता है, उन्होंने बोला कि अगर आपने एलिगेशन लगाया उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए, उसमें ये क्यों खड़े हो गए? मुझे समझ में नहीं आया, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, अगर कोई मेंबर गलत बयान देता है तो यहाँ से ट्रेजरी बेंच से उसको ऑथेंटिकेशन मांगना, ये तो एक परंपरा है। ये पूरा कांग्रेस वाला क्यों खड़े हो गए? और वैसे भी सदन में इतना बड़ा झूठ बोलना, वो तो पहले मुख्यमंत्री भी थे, क्यों गलत बात रखा है? प्रिविलेज में इसका रेफर होना चाहिए, इन्होंने गलत बात इस सदन में रखा है और गुमराह करने का कोशिश किया है, ये गलत बात है, इसको बीजेपी और पूरे सदन की ओर से मांग करता हूं कि प्रिविलेज में मैटर रेफर होना चाहिए। ऐसा सदन को गुमराह हवा में बात करके आप सदन को आप गलत डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते हैं, गलत बात नहीं बोल सकते यहाँ पे। स्पीकर साहब किसान प्रधानमंत्री जी को सरकार को मिलना चाहता है, वो पंजाब से चले हैं और उनको एक मिनट आपके बोल, अरे भैया बैठ जाओ, जस्ट सुनो ना स्पीकर साहब, एक मिनट टू ऑथेंटिकेट, बट इट शुड बी इन टू हिज नॉलेज, लोकसभा में ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है, ये राज्यसभा में होता है।
ये उनका जानने का विषय है. इट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड इन पार्लियामेंट. सो ही इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट ही शुड विथड्रॉ. क्या बोल रहे हैं आप सर? सर सुदीप दा बहुत सीनियर आदमी है, मैं उनका इज्जत करता हूं, लेकिन स्पीकर का डायरेक्शन 115(1)(2)(3)(4) वो ये कहता है कि कोई मेंबर यदि गलत करता है तो या तो मंत्री या मेंबर उसको सुधार सकता है और स्पीकर उसको कह सकते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए. इसलिए इस रूल के बारे में सुदीप दा को पता होना चाहिए और वो ऑथेंटिकेट उनको करना है. ये रूल कहता है सर, और ये रूल के आधार पर उनको ऑथेंटिकेट करना है. सुदीप दा चन्नी जी, स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, आपका बहुत समय हो गया, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो जाएगा. उनका समय काटने के बाद बात कर रहा हूँ, उनका सबका समय काटने के बाद बात कर रहा हूँ. मुझे दिक्कत नहीं है आपकी पार्टी का समय, मेंबर का मौका नहीं मिलेगा. स्पीकर साहब मेरे बोलिए 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 साहब, मेरे गुरु की वाणी है, मेरे गुरु की वाणी ये कहती है कि जे को बोले सच कूड़ा जल जावे. जो झूठा होता है उसको आग लग जाती है जब कोई सच बोलता है. मैं किसानों की बात कर रहा हूं, मैं मजदूर की बात कर रहा हूं, और ये लोग मुझे बोलने नहीं देते. क्या क्या दुश्मनी है तुम्हारी किसानों के साथ? क्या दुश्मनी है तुम्हारी किसानों के साथ? मैं ये पूछना चाहता हूं. क्या बगड़ा आपका? स्पीकर साहब, किसान किसान सरकार से मिलने के लिए दिल्ली के लिए आए. ये बजट का विषय नहीं है सर. बजट का विषय इसलिए है कि हमें कर्जा माफी चाहिए, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ. सदन में बजट के बोल रहा हूँ कि कर्जा माफी चाहिए. और जो लोग यहाँ कोई किसे मिले नहीं मिले, ये तो मेरी स्पीकर साहब मैं ये कह रहा हूँ, उससे मिलना. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा रास्ता क्या हम हिंदुस्तान में नहीं है पंजाबी? के हरियाणा में पक्का बैरिकेड लगा दिया गया कंक्रीट का और किसानों को दिल्ली तक नहीं आने दिया जा रहा है. और हरियाणा पुलिस ने किसान के गोली मारकर सामने से मारा है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसान आपका दुश्मन क्यों है? स्पीकर साहब ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं ना बोलूं. नहीं, मैं नहीं चाहता, आप बजट पर बोलते रहे. चलो ये है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से खाली कब खाली. चलो अब हो गया मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली. सुनील टटकड़े, सुनील टटकड़े, माननीय सदस्य सुनील टटकड़े. मैं अपॉर्चुनिटी to start the debate on the general budget on the behalf of treasury bench. I have no words to express gratitude for the Indian leaders. I am the only one from the NCP, but I have been given an opportunity to start the debate. आपका चेयर ये है?